तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। था आज इस नए वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को बहुत परेशानी होती है, यानी कि एक से ज्यादा अधिकतम फोटो को आप लोग पीडीएफ नहीं बना पाते हैं। कोई पीडीएफ बनाते भी है तो दोस्तों एक ही फोटो यानी कि एक ही पेज का आप लोग पीडीएफ बना पाते हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि 100, 200, 1000, 2000 जितना चाहे दोस्तों आप फोटो का एक बार में आप पीडीएफ बना सकते हैं। एक पीडीएफ में 1000-2000 फोटो तक ऐड उसमें कर सकते हैं। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 100 से ऊपर फोटो को एक ही पीडीएफ में बनाने के लिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों फोटो एडिटर। ये दोस्तों एप्लीकेशन है, इसको दोस्तों आपको सर्च करना है अपने प्ले स्टोर में फोटो एडिटर और इसको इंस्टॉल करना है। हम इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, सिंपली इसको ओपन करेंगे। दोस्तों ओपन करते हैं तो ये देखिए ओपन हो गया। ओपन करने के बाद आपके सामने एक रिंच की तरह टूल्स की तरह ऑप्शन आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है टूल्स। सिंपल आपको क्या करना है, टूल्स पर क्लिक कर देना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। आपको क्या करना है, सिंपल सा क्रिएट पीडीएफ पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक किए उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर चिन्ह टिक लगा देना है, उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। टिक लगा दिए, सिलेक्ट पर क्लिक किए, ये देखिए मेरा दोस्तों गैलरी खुल चुका है। अब गैलरी से दोस्तों आप जितना भी फोटो लीजिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों एक ही सिलेक्ट हुआ है, फिर से आपको फोटो पर क्लिक करना है। दोस्तों बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, हम गलती कर दिए हैं। फिर से फोटो ब्लॉक पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्ट दबाए थोड़ा देर प्रेस कर रखिएगा दोस्तों, वो टिक लग जाएगा। उसके बाद इसको जितना आपको चाहिए, जितना फोटो चाहिए दोस्तों उतना यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सिंपल सा सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों मेरा पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से आगे पीछे भी दोस्तों कर सकते हैं। थ्री लाइन दिखा हुआ है, थ्री लाइन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये थ्री लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों। बहुत सारे फोटो में आपको थ्री लाइन दिख जाएगा। आपको सिंपल थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको इधर से उधर इसको कर सकते हैं, जहाँ से दोस्तों लाना है वहाँ वहाँ का आप कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक सेव का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सेव पर आपको क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको फिट सेलेक्ट करना है, जो फिट है दोस्तों ठीक है इस पर क्लिक करना है। अगर दूसरा कुछ होगा तो आपको फिट पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इसको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस है, उसको आपको क्या करना है कि यहाँ पर फाइल का नेम लिखने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपका पी डी एफ का क्या नाम देना है, तो हम इस पर लिख देते हैं चेक, चेक लिख के इसको सेव करते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ आपका सेव हो चुका है, ओके कर देना है, इसको सेव हो गया। अब इसको चेक कैसे करना है, तो अपने फाइल में चलते हैं, फाइल मैनेजर में। यहाँ पे आप मेरा डॉक्यूमेंट है, ये देखिए दोस्तों चेक का जो हम वहाँ पे सेव किए हैं चेक, यहाँ पे दिख रहा है आपको। चेक पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक करना है। क्लिक किए, ये देखिए दोस्तों मैंने पीडीएफ फाइल पूरा बन चुका है। जितना तो फोटो सिलेक्ट किए हैं जितना भी उसका दोस्तों देखिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल बन गया है। ऐसे आप करके पीडीएफ फाइल बना सकते हैं कितने भी फोटो को, हम तो 15 फोटो सिलेक्ट किए हैं, आप कितने भी फोटो को पीडीएफ फाइल बना सकते हैं ऐसे करके। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी पर दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक पहुँचते रहेगा। तो ऐसे ऐसे टेक्निक वाला वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, रोज़ पर डे हम वीडियो डालते रहते हैं टेक्निक वाला वीडियो। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।